करते जाना। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। जब आपने कहा मैं ज्योति सितारा, तब एकदम से मन बुद्धि से पहुंच जाएं परम धाम में, बाबा के पास, अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएं। और जब कहा मैं देव प्यारा, तो परम धाम से नीचे आकाश मार्ग के रास्ते इस धरा पर पहुंच जाएं, देवी और देवता के रूप में अपने दैवी स्वरूप में स्थित हो जाएं। जब कहा मैं पूज्य न्यारा अर्थात अपने मध्यकालीन स्वरूप में मंदिर में अपनी जड़ मूर्ति में इष्ट देव के रूप में पूज्य स्वरूप में आप स्थित हो जाए। जब कहा मैं ब्राह्मण दुलारा, तो अपने वर्तमान स्वरूप में श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाए और पहुंच जाए मधुबन में, देखें डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा हमें मुरली सुना रहे हैं, अव्यक्त बाप दादा से मिलन का अनुभव करें। और जब कहा मैं फरिश्ता पधारा, तो सूक्ष्म वतन में लाइट के कार्प में, लाइट के शरीर में संपूर्ण अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठ जाएं, बाप दादा से सर्व शक्तियों को अपने ऊपर महसूस करें और महसूस करें कि आप पांचों विकारों से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार से जब यह एक्सरसाइज आप हर घंटे में करेंगे, तो आपको बहुत 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 फायदा होगा और आपके विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। तो एक बार फिर करें यह एक्सरसाइज। श्योर, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। अच्छा जी, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। हर घंटे में से जरूर करें और तन व मन की तंदुरुस्ती पाएं। ओम शांति।